कितना बड़ी लेक है यार। लेक भी बढ़िया, बट वो महल देखो डूबा हुआ है अंदर अभी भी, और वहां पे लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अच्छा जाते भी हैं वहां पे बोट से ना। नहीं अलाउड, बहुत सालों से अलाउड नहीं है, बट नहीं अलाउड वहां पे जाना। Hey, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting a vlog. Hey, with the 7 rays and the 7 intensity. So it's the next day. अभी हम जा रहे हैं नीचे breakfast करने। अभी plan तो most excited। जितनी excited रहती है मैं उतना ही neutral रहता हूँ। Last night हम लोगों ने room change करा था, वो भी बस इस लड़की की वजह से। अच्छा, देखो सही लग रहा था। मेरे को ठीक लग रहा था, I was okay। तुम लड़के हो ना? लड़के कहीं भी adjust हो जाते हैं। We don't give a f। आज का हमारा कोई प्लान नहीं है, हम लोग ऐसे बहती हवा की तरह जयपुर में जहाँ तेज हवा चल रही होगी वहाँ पे बह के चले जाएंगे और वहाँ पे जाके एंजॉय कर लेंगे। वी हैव कार, मेन चीज तो वो है कि हमारे पास गाड़ी है। हम लोग कोई ट्रेन उससे गाड़ी से नहीं आए हैं, मतलब कैब से नहीं आए, हम लोग हमारी पर्सनल कार से आए, प्राइवेट कार से। तो वी कैन रोम अराउंड एनीवेयर एनी टाइम, यही चीज की तो खुशी होती है ट्रैवल के टाइम। यस, ब्रेकफास्ट की तो खुशी होती है। नहीं होती है, नहीं होती है, आपको होती है, आपको होती है। रात को आए थे लेट चेकिंग करा, डिनर तक का खाना खा लिया। हम लोगों का चेकआउट भी थोड़ा सा लेट करेंगे ताकि मेरे को एडिट करना है हमारा व्लॉग। मैं केक के साथ इजी व्लॉग कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका पीओवी ऊपर आया तो मेरा पीओवी। इजी चीज है यार, लाइफ इजी हो गई है। गाइस, मीट अवर न्यू इंडिया कैप्टन। अभी जस्ट टॉस चल रहा है श्रीलंका में, ये एशिया कप का पहला मैच है शायद। गाइस, सुपर प्राउड ऑफ हिम यार, इतना अच्छा लग रहा है देख के अपने दोस्त को। ब्रेकफास्ट करते टाइम ना सिर्फ ये लड़की एक्चुअली तीन चीजों में ध्यान देती है, खाना भरने में, खाना खाने में और खाना रिकॉर्ड करने। ब्रेकफास्ट पूरा रिकॉर्ड करती है, मैंने बिल्कुल 1% शूट नहीं करा है। यहाँ पे कह रही है केक या शादी हो गई, मैं दिख ही नहीं रहा, ये ऐसे थोड़ी शादी होती है। बेसिकली ये एज अ मंडप यूज होता है, बट ये कहाँ है, मंडप है कहाँ? मंडप भी नहीं है ना, बनाया नहीं है अभी, क्या पता कल हुई हो शादी या फिर हो गया, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, बट ये मंडप ही है। बट यहाँ पानी है आस पास, और वहाँ पे बराती और लड़की वाले कहाँ बैठेंगे, पंडित जी कहाँ बैठेंगे? हाँ वो तो मंडप पे होंगे। आस पास वो दिख रहा है जहाँ पे वो बेबी वॉक कर रही है। कौन सी बेबी? बेबी तो ये रही। और कुछ लौंडे पूल में आ जाएंगे ऊपर से, वो बाउंड्री में बैठने के लिए। ये तो सही जगह है भाई, यहीं पे शादी होनी चाहिए। करो खचरे नहीं होंगे फिर। पहले गाइस थोड़ा वीडियो देख के सुपर थैंक्स में इतने पैसे भेजो कि हम इधर भी शादी कर पाए। गाइस बिल्कुल मत भेजना, मैं कह रहा हूँ मत भेजना। तो अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं पूल में, एंड अभी आधा घंटा है हमारा चेकआउट से। ऑल्सो के ने उनको बोल के 3:30 या 4 बजे के आसपास तक का चेकआउट करा है, तो वी कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी। एक्चुअली हमको हाफ एन आवर तो लगेगा, वी वर गोइंग टू पूल। ये अच्छी चीज लगती है कि जो भी करो सच बोल के करो तो वो लोग अलाउ कर देंगे। अब सही है ना, हम लोग पूल में जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और इसका अगर थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो गया तो भी दे विल अंडरस्टैंड कि यार गेस्ट हमारे पूल में गए हैं, और ऊपर से शादी चल रही है तो प्रॉपर्टी में आई गेस रूम की थोड़ी सी खाली होगी जगह। चले फिर अभी जल्दी, ये बाद में कर लेंगे ना। मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार्ड रहता है यहाँ पे होटल रूम में लगाने के लिए, ताकि केक का फोन जो है वो चार्ज हो रहा है। तो जैसे ये कार्ड हटाया अंदर सब कुछ बंद। ऐसे थोड़े लापरवाह वाले एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुके हैं, कभी कभी अपना कैमरा चार्ज पे छोड़ के जाता हूँ, कार्ड निकाला कैमरा चार्ज बंद, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आप लोग ये सोच के चल सकते हो। चले I spend my Mondays like Fridays, I spend my Fridays in a box, my heart and my whining, I put my pondings on pedestals to keeping them grounded, what's that mountain to nothing, let's make some something from nada, let's go to Gucci. इस वाले होटल में ना पूल की एक चीज की प्रॉब्लम है, बस ये सारे जो रूम वाले हैं ना ये लोग मेरे को देख सकते हैं। grown man, baby face, kind of a tantrum, bitch, I'm spreading like cancer did, my father's skeleton. आज का तो वेलकम बैक हो चुका ऑलरेडी ब्रेकफास्ट के टाइम पे, बट वी आर चेकिंग आउट राइट नाउ। सारा सामान ले लिया है हम लोगों ने, तो आज सुबह तो बैग खोले हमारे, तो चेकआउट के टाइम पे इतना इशू नहीं हुआ, बट हम लोगों को मजा आ गया। मतलब मेरे को मजा आया क्योंकि कोई और तो पूल में आया ही नहीं, उसको आलस आ रहा था भाई नीचे से ऊपर आके अपना कॉस्ट्यूम लेने में। बस क्या पॉइंट है बताओ, बाल पूरे भीग जाते हैं, देन यू हैव टू गेट रेडी अगेन। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, यू हैव टू बी दैट फ्लेक्सिबल है यार ट्रैवलिंग के टाइम पे। भाई व्हाट अ न्यूज़, आई जस्ट सॉ यश स्कोर्ड 100, 108 नॉट आउट शेल, मैन क्रेजी क्रेजी, सुपर डुपर हैप्पी फॉर हिम यार। यश स्कोर्ड 100, हां आई सॉ मार दिया इसने, आया कैप्टन।
नाउ वी आर लिविंग फॉर पत्रिका पत्रिका गेट। आज का हमारा प्लान है कि पहले हम जाएंगे पत्रिका गेट, देन हम जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट एंड वहाँ पर दो तीन चीजें बताई आप लोगों ने कमेंट्स में, मैंने पढ़ ली है एज यूजुअल। तो उन्होंने बताया कि एक रेस्टोरेंट है PADA वो करके पढ़ाओ शायद ऐसा करके रेस्टोरेंट है एक वहाँ पढ़ाओ। सारा पढ़ लिया क्या आपने? अरे सारे कमेंट्स रीड करती हूँ मैं। मत करा करो एग्जैक्टली हाँ मेंटल हेल्थ के लिए तुम लोग कुछ भी बोलते हो यार। कुछ लोग होते हैं उनको इग्नोर करना तो ये थोड़ा थोड़ा इसको टाइम लगेगा टू ओवरकम थ्रू ऑल ऑफ दिस। हां थोड़ा मूड ना वो जाता है लोग ऐसे नहीं करने का। बट अब मैप बताओ फिर बंद कर दिया है फिलोसफी जानने लग जाती है मैडम जी सीधा। हम पत्रिका गेट तो आ गए हैं, बाहर से गेट अच्छा लग रहा है बट यहाँ कोई पार्किंग करने की जगह नहीं है आसपास, ये एक थोड़ा सा फुटपाथ टाइप है एंड यहाँ सामने बैरिकेशंस लगी हुई है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से टोल हो सकती है गाड़ी। टोल नहीं टो यार, मैं कल से टो को टोल बोले जा रहा हूँ। क्या करना है फिर अभी? वी हैव टू डिसाइड नाउ, वी हैव टू मेक अ डिसीजन। इसकी एंट्री तो यहीं से है। ओ ये तो बहुत ही नई बात बताई आपने कि इसकी एंट्री यहाँ से है। पीछे तो कहीं नहीं थी, यही गाड़ियाँ खड़ी हुई है जहाँ हमने खड़ी करी और पीछे भी दो गाड़ियाँ खड़ी हुई है। वो पता नहीं रिस्क पे खड़ी करके गए हैं या तो फिर उनको पता है कि यहाँ पे पार्किंग होती है। सो वी हैव टू decide now Kangan, we have to decide now. So हम लोगों को मिल गया था parking spot. कुछ देखने लायक है नहीं, एक बार आओ फील लो और चले जाओ। द मॉन्यूमेंट्स वगैरह में यही होता है, यू जस्ट हैव टू कलेक्ट द वाइब ऑफ द प्लेस एंड यू जस्ट हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ दोज़ हू लिव इन न्यू दिल्ली आल्सो, वहाँ पे लोटस टेम्पल है, वहाँ पे भी कुछ देखने को है नहीं बट यू जस्ट हैव टू टेक द पॉजिटिव वाइब आउट ऑफ दैट प्लेस क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति रहती है, लोग प्रे करते हैं एंड चले जाते हैं। जस्ट गॉट टू नो यहाँ पे भी तिलक नगर है तो मोस्टली जनकपुरी भी होगा यहाँ पे। तो केदार और कंगन बापू बाजार में वैसे क्या क्या आपने खाया? हम लोगों ने लास्ट टाइम खाया था चौड़ी खाई थी मैंने, कचौड़ी बहुत टेस्टी थी, लस्सी अरे वाली टाइप की कचौड़ी बहुत डिफरेंट। अबे सब छोले भटूरे में मिलेंगे, चाट तो अलग अलग टाइप की है और मेन तो शॉपिंग के लिए भी है। खुश हो गई न्यू क्लोथ्स, लोकल मार्केट से ज्यादा कपड़े खरीद सकते हो, लाइक एक होता है एकदम ब्रांडेड वाला, ब्रांडेड भी पसंद है बट ऐसे भी पसंद है, सो मैं बोथ वे सेम, मेरे को तो कुछ भी पहना दो बट मेरे को ज़ारा भी मेरा फेवरेट है H&M भी, बट लोकल मार्केट का जो वाइब है ना ये LMB रेस्टोरेंट भी LMB होटल भी है। जल्दी जल्दी लिपस्टिक भी तो लगा लेती हूँ, बाहर जाके स्टाइल भी मारनी है। हमें हंसना है क्या? पार्किंग मिली है यार, ऐसा लग रहा है हनुमान जी का ना हाथ ऐसा। जा बेटा तुम घूम के आओ। ये मिल्क केक लग रहा है मेरे को, ये राजस्थानी पीपल नो कि ये क्या होता है सावन के महीने में, मेरे को ये भी नहीं पता क्या है। दिस इज घेवर एंड दिस इज फेनी। ओ घेवर ये मीठा होता है ना? नहीं इसको ये अभी मीठा नहीं है, इसके ऊपर चाशनी चढ़ाई जाती है। Currently we are having onion kachori और ये मसाला इसका बहुत टेस्टी है, प्लस ये आपको ये क्रीम रोल नहीं है, ये है शाही समोसा। मेरे को दिखाया इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो ट्राई करना बनता है। और कैसा था यहाँ की चाट और जो भी देसी चाट और इंडियन स्नैक वाली जितनी भी चीजें ना बहुत ज्यादा फेमस है, तो जयपुर वाले तो आके खाते ही होंगे बट जो जयपुर में आएगा मस्ट ट्राई LMB। आई एम कमिंग हियर फॉर द सेकंड टाइम बट जो नाहरगढ़ फोर्ट वाले रास्ते के बीच में हम लोग एक हॉल्ट लेके जा रहे हैं वाले, क्योंकि एक रास्ता है जो बहुत ज्यादा सुंदर है, पहाड़ों वाला एरिया है, यहाँ की हवा भी बहुत अच्छी है ना, ठंडी एंड क्लियर है और यहाँ से आपको जल महल भी देखने को मिलेगा, वो रहा आधा डूबा हुआ महल, बाकी पूरा जयपुर भी आप लोगों को दिखेगा यहाँ से। हाउ ब्यूटीफुल यार केतन, बट अनफॉर्चुनेटली जो सनसेट है वो पीछे वाले एंगल पे हो रहा है तो हम लोगों को सिर्फ ये जयपुर वाला एंगल मिल रहा है। यहाँ लेक भी बड़ी है बट वो महल देखो डूबा हुआ है अंदर अभी भी और वहाँ पे लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे शायद जाते भी है वहाँ पे बोट से ना। नहीं अलाउड, बहुत सालों से अलाउड नहीं है
बट नहीं है अलाउड वहाँ पे जाना। क्या बात कर रहे हो? यही बात कर रही हूँ मैं, तो ये सोचूं कि नीचे और भी होगा, सिर्फ एक इतनी बड़ी उसमें जल में एक महल तो नहीं हो सकता और तो इतने इसका एल्टीट्यूड नीचे क्यों बनाया था? अभी बाकी सारा जो शहर है जो बसावट है वो एक अलग हाइट पे, और ये जो महल की है हाइट वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये पुराना बनाया हुआ है ना, तो उन्होंने जल में ही बनाया ये महल अकॉर्डिंग टू मी। वो मेरे ख्याल से ना वो हो गया या तो उन्होंने ऐसे ही बनाया है, मेरे को हिस्ट्री पता नहीं है। डाला तो नहीं हुई, इसकी स्टोरी बताना गाइस जो भी लोगों को समझ में आ रही है जिनको पता है। पता नहीं कितने सालों पहले यहाँ पे कोई रहता होगा, यहाँ पे छोटे छोटे कमरे भी है। ऑल्सो लोगों ने ना ये देखो क्या कर रखा है पीछे, ये चीजें देखने को अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। ऑल्सो यही सेम रास्ता यहाँ से जाता है टेरेस को, पता नहीं ये वाला छत की तरफ खुलता है नहीं खुलता, आई डोंट नो, बट आगे की साइड पे तो एक रास्ता है जो छत पे जाता है। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द स्टेयर्स, कितनी छोटी स्टेयर्स है, बट व्यू जो होगा ना यहाँ का ऊपर का वर्थ इट होगा। महल के सबसे ऊपर का टॉप व्यू है, क्या हवा चल रही है यार। आज हमारी अच्छी खासी वॉक हो गई है, नाउ वी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स ऑफ अ कार एंड फिर वहाँ से ट्रेन। फूट आ रहे हो तो अंदर तक मतलब पार्क कर सकते हो, जो कि केतन ने बोला था कि हम कर सकते हैं। हाँ तो आप भी श्योर नहीं थे ना 100%, तो फिर लेकर आना चाहिए। अभी के थोड़ी सी थक गई है, बता रही हूँ अगर आप लोग आओगे तो जरूर लेकर आना कार अंदर, बिकॉज फालतू की चढ़ाई हो जाती है। बिल्कुल आप लोगों ने ठीक देखा, हम लोग टोल पे हैं अभी, यहाँ से हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट दिल्ली के लिए। वे गोइंग बैक टू दिल्ली क्योंकि बोर हो गए हम। दिल्ली नहीं गुड़गांव जा रहे हैं? नहीं यार हम लोग गुड़गांव जा रहे हैं, हम लोग दिल्ली के बाहर ही रहते हैं। हम लोग कल रात को निकले थे 8 बजे के आसपास और आज हम लोग रात को 3 बजे वापस भी पहुंच जाएंगे। सो बेसिकली गुड़गांव से जयपुर है और जयपुर से वापस गुड़गांव जा रहे हैं विद इन 24 आवर्स। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ थ्रिल वी आर डूइंग। बहुत नींद आ रही है बट केतन डिसाइडेड। सुनो थ्रिल जब आती है ना तो उससे ऐसे करके एनर्जी निकालता है, तो मजा आ गया भाई वाले ट्रिप में, क्या ही बोलूं मैं। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि जो तुम्हारा भाई ना कर पाए, एक ही दिन में कहां पे और कहां से वापस निकल गया और मजे भी कर लिए। एक दिन मीटर जा रहे हैं रुकने का, बट फिर हमने सोचा कोई पॉइंट ही नहीं क्योंकि आज हमने सब देख लिया, प्लस हम थोड़ा टायर्ड भी थे। तो अरे भाई मेरा हार्ट टायर्ड हो गया, वेट करो, बोली जा रही है। नाउ मेन प्रॉब्लम इज रात को ही आता और रात को ही वापस जा रहा हूँ, मेरे को इस हाईवे का रास्ता देखना था यार, आसपास पहाड़ जो आते हैं। जयपुर ही तो है, मैं ड्राइव करके ले आऊंगी। फिर जयपुर नहीं जाएंगे हम, फिर हम उदयपुर पहुंच जाएंगे जयपुर निकलेंगे तो। समझ रहे हो गाइस? शट अप यू गेट आउट। Just took a small halt over here. यहाँ पे जो भी ये junctions बने हुए हैं इसका नाम पता नहीं क्या है, बट हाँ ये बहुत helpful है, useful है, washrooms वगैरह clean है। पहली चाय पी रहे हम लोग, हमने कल भी नहीं पी थी जब आ रहे थे, फिर सुबह भी नहीं पी थी। बट ये जो thrill है ये अलग ही थी हमारी, एक रात पहले निकलने की और अगली रात को वापस घर, इसकी daring चाहिए इस चीज करने के लिए ना। बट मेरे अंदर तो जान बचेगी, आई एम फीलिंग अलाइव राइट नाउ यार, मेरे को अच्छा लग रहा है ड्राइव करना। और इतनी प्यारी रोड है ना, ये जो शादी के बाद जो हमने दो छोटी छोटी ट्रिप मारी है ना, ये सारी चीज आई थिंक हेल्प करती है एज अ कपल को ग्रो करने में एंड फ्रेंड्स को भी, आई गेस कोई भी रिलेशनशिप को, राइट? यस, बहुत ज्यादा नीडेड होता है क्योंकि घर पे लीव दैट पैटर्न इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। हां अलग अलग चीजें ट्राई करो, बिकॉज तुम दोनों तो साथ में हो ना, तुम दोनों को तो पता है कि तुम्हें क्या करना पसंद है। फैमिली सोसाइटी ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, बट यू ओनली लिव वंस। दुनिया भी चलती रहेगी, दुनिया भी नहीं रुकेगी, टाइम भी किसी के लिए नहीं रुक रहा है, ये प्लैनेट अर्थ भी घूम रहा है, सब ग्रो कर रहे हैं एंड बस तुमने रुकने चाहिए। कोई एज ए इंडिविजुअल हम लोग रुक जाते हैं आसपास की परिस्थिति देख के, बट हम लोग रुकना नहीं है, चलते रहना, भागते रहना, जैसे एनर्जी और इंटेंसिटी रुकनी नहीं चाहिए। वैसे एक बात तो है कंगन को ना मेरे साथ रहना अच्छा लग रहा है, पता है, शी इज एंजॉयिंग दैट टाइम, शी इज लविंग हर टाइम विद मी।
दिस कंपनी, तू अपने बॉयज वाली कंपनी में जाओ वापस। हाईवे की कुल्हड़ वाली चाय। चीयर्स गाइस। वैसे आप तो हो नहीं हमारे साथ, दो बार क्यों चीयर्स कर रहे हो? ये लड़की फुल झपकियां लेती हुई आई है रास्ते में। हाँ जी, कैसे हाल चाल है आपके? पहुँच गए हम लोग ऑलमोस्ट। बहुत ज्यादा टायर्ड है, मैं उतना ही फ्रेश हूँ पता नहीं क्यों। सो गाइस, वी आर बैक होम। अभी ऊपर जाके क्रैश हो जाएंगे दोनों, मोस्ट प्रोबब्ली मैं भी सो ही जाऊंगा। सुबह करेंगे एडिट, अब डेटा ट्रांसफर वगैरह कर लूंगा अभी मैं। अभी अगर ये वाला व्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। ख्याल रखिएगा अपने एज वेल, बट टेक केयर, पीस आउट, गुड नाइट। जो मैंने करा है ना कार में, मैंने कपड़े चेंज करे के अलग ही जा रहे हैं। मैं तो इसको ये बोला कि ये अर्टिगा ठीक है, इसकी जो दो सीटें हैं पीछे वो अगर हम लोग हटा देते हैं और पीछे गद्दे डाल देते तो क्या बढ़िया कैरवैन नहीं बन जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगा बेस्ट। ये पीछे गद्दे पे सो रही होगी मस्त। इतनी देर मारा लेंस पे, घर चलो।